Assalamualaikum viewers, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। तो आज तक लोग स्टार्ट कर रही हूँ मैं लंच से। लंच में आज सिंपल सा सादा सा चिकन पुलाव बना रही हूँ मैं। मैंने प्याज डाली है, चिकन डाला है और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। तो इसको थोड़ी देर भून लेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और शामिल कर दिए हैं टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें हम क्या शामिल करेंगे, पिसा हुआ धनिया डालूंगी इसमें थोड़ा, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें ये ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल जाएगी। नमक और पिसा हुआ गर्म मसाला मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। चिकन जो है बर्फ़ इसमें जमी हुई थी, पीस थी, इसलिए थोड़ा पकने में ये टाइम लगे। पानी ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा मसाला भून के फिर पानी डाल दूंगी इसमें। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो फिर चावल ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है इसमें। अच्छा, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। थोड़े बर्तन थे मैंने को सोचा वॉश कर लूँ। आजकल जो है सबसे अहम टॉपिक जो है पाकिस्तान में वो है टमाटर। टमाटर तो भाई बहुत महंगे हो चुके हैं, टमाटर के सारी सब्ज़ियाँ महंगी हो चुकी हैं, पता नहीं क्यों अल्लाह जाने। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टमाटर ही है, बहुत महंगे हो चुके हैं। चिकन से ज़्यादा महंगे तो टमाटर हैं। ये करना पड़ेगा कि हमें जो है वेजिटेबल्स जो है अपने घर में उगाएं। पहले बात छोटी मोटी वेजिटेबल्स जैसे टमाटर हैं और लहसुन है, प्याज, ये तो हम लोग उगा सकते हैं गमलों में भी और बहुत आसानी से उग जाते हैं, इनमें कोई इतनी खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। बर्तन भी हो चुके हैं वॉश। दम लगा के आ गई हूँ। मैंने जो है पहले चावलों में दम लगाया, फिर मैंने बर्तन वॉश करे, तो अब 15 मिनट का जो है दम लगाया। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो अब थोड़ी देर बाहर थोड़ा सा व्यू लूँगी, बाहर का दिखाऊंगी आप लोगों को भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी विंडो से बाहर देखना क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है जी। तो मैं विंडो से बाहर देखती हूँ, बहुत अच्छी और ठंडी हवा भी आ रही है और बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू भी है ये बाहर का।
हरियाली है हर तरफ, बहुत अच्छा लगता है। और ये हाईवे है, गाड़ियाँ भी यहाँ से हर टाइम ही गुजरती हैं, दिन दिन रात, मतलब जो है ट्रैफिक यहाँ से जाता है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि वेजिटेबल्स का, तो हम सबको जो है बाकी वेजीज जो हैं, वेजिटेबल्स अपने घर में उगानी चाहिए। ऐसी कितनी सारी वीडियोस हैं गार्डन की, जो घर में जैसे सिखाते हैं भाई कि घर में आप कैसे सब्जियां उगा सकते हैं, कंटेनर्स में, शॉपर्स में, गमलों में, आप जो है हर तरह से जो है अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। तो हमें करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो हमें करना चाहिए, ताकि जैसे टमाटर, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया, पुदीना, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन, ये भी हम घरों में अपने बआसानी उगा सकते हैं। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, टमाटर तो हर बार ही महंगे हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में टमाटरों का महंगा हो जाना। और टमाटर जो है हमारे खानों का एक अहम जूस है, जाहिर कोई भी ऐसा हमारा रेसिपी होगी जिसमें टमाटर ऐड नहीं होंगे तो बन जाता है। सालन वगैरह भी वैसे क्या नाम है, तो ये क्या जा रहा है, तो दही से ही बन जाता है, लेकिन जो टमाटरों का टेस्ट है जो है, दही उसको नहीं पूरा कर सकती, तो टमाटरों का एक अलग टेस्ट है। तो टमाटर बड़े अहम हैं, तो हमें टमाटर उगाने चाहिए। सही है, तो हो सकता है मैं भी आप लोगों को दिखाऊं अपने आने वाले व्लॉग्स में कि कैसे हम घर में टमाटर वगैरह उगा सकते हैं इंशाल्लाह। तो देखते रहें मेरी वीडियोस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो अब करते हैं कुछ और। आज जो है कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ जो ख़त्म हो गई थी, तो क्या क्या लेकर आई हूँ मैं, जैसे कि सर्दी आ गई है, लोशन लोशन लेकर आई हूँ, कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी वो लाई हूँ, और ये है जनाब बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर लेकर आई हूँ, और ये जो है इंसेक्ट किलर है मॉर्टीन का, ये लेकर आई हूँ, और ये सबसे अहम जो है जौ का दलिया, ये भी ख़त्म हो गया था, ये मैं डिनर में खाती हूँ और अक्सर ब्रेकफास्ट में भी, ये बहुत इसके फ़ायदे हैं और जो है बहुत हेल्दी होता है, स्पेशली जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो ये ज़रूर यूज़ करें, ब्लड प्रेशर और मतलब हर चीज़ में ये बेस्ट है, बेहतरीन है। मैं रात को नहीं खाती खाना, अक्सर जो है ये खाती हूँ, जैसे हफ्ते में 5 दिन जो है ये दलिया खाया, बाकी अगर कुछ खाने का मूड हुआ तो वो फिर खा लेती हूँ। ठीक है, ये लेकर आई, ये ब्रेड स्लाइसेस, ये भी ख़त्म, ये भी लानी थी, ये भी लेकर आई, और ये क्रीम लाई हूँ फेस क्रीम स्टेलमेंट्स, और ये सर्दी आ गई है, बहुत ड्राइनेस आ जाती है, तो इसकी मैं जो है फेस क्रीम बनाऊंगी एक। ठीक है, तो और क्या है, बेकरी से ये लिए थे मैंने, एक लिए थे, ये लिए हैं, बस आप ही, तो थोड़ी सी चीज़ें और चिकन वगैरह लाए थे। महंगाई तो उफ आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है, कोई भी ऐसी चीज़, स्पेशली निकाल देती हूँ मसाले। अच्छा, ये जो मसाले हैं ये सारे जो हैं खालिस मसाले हैं, चक्की के पिसे हुए, यही अच्छे होते हैं, यहाँ गांव में मिलते हैं हमारे। अच्छा, ये चक्की के मसाले हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल खालिस हैं एकदम। ये मैं जो है रेड चिल्ली पाउडर जो है ये निकाल रही हूँ पहले, ये देखें, ये है पिसा हुआ धनिया, निकाल रही, और ये है हल्दी, मिर्चों की वजह से मुझे छींक आ गई, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला,
ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। सारे मसाले खाली इसमें, और यह है पिसी हुई काली मिर्च, ये पिसी हुई मिलती है। और लास्ट मुझे ये वाला जो स्पाइस बॉक्स है ये बहुत पसंद है, क्योंकि इससे कुकिंग करने में भी बहुत आसानी होती है, सारे मसाले जो हैं। अच्छा इसमें जो है मैं इसमें वाले में मैं सॉल्ट डालूंगी, ठीक है। अच्छा मैंने ये सॉल्ट भी डाल दिया, देखें ये जो है ये पहाड़ी नमक है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं ये वो है। और ये मेरा जो है स्पाइस बॉक्स रेडी है, छोटी सी चम्मच वो भी जाएगी इसमें, ठीक है। ये तो हो गया, वो तो हो गया रेडी। अभी रह गए ड्राई मसाले, ये है जीरा, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी, वो डालूँगी। ये है साबुत धनिया, साबुत धनिया जो है दो में आएगा, ठीक है। ये है दालचीनी, सिनेमन भी कहते हैं। अच्छा जी तो अब जा रही है सौंफ, ये भी दो में आएगी। अच्छा ये जो लास्ट वन है इसमें जाएगा ये जायफल और बादियान के फूल, स्टार एनिस। अच्छा तो ये वाला स्पाइस बॉक्स भी जो है रेडी हो गया, इसको भी साइड पे करती हूँ। अब बेसन रह गया, इसको भी जार में निकालूंगी, और ये भी चक्की का बेसन है खालिस। तो पुलाव हमारा रेडी हो चुका है, लंच रेडी है, अब लंच करेंगे हम लोग। तो जो है आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी बातों को सोचिएगा ज़रूर। हमने जो है किचन गार्डनिंग करनी है, ठीक है। ओके अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।